हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का सेट देख रहे हैं, सीपीओ का जो हमारा प्रश्न है उसको देखेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दे, यहाँ दिया दे पोस्टपोन। पोस्टपोन मतलब क्या होता है? स्थगित करना। तो दे पोस्टपोन खाली स्थान ऑन वैकेशन। वैकेशन मतलब छुट्टी होता है। ड्यू टू, ड्यू के साथ टू लगता है। ऑन वैकेशन एडवर्स वेदर कंडीशन। तो दे पोस्टपोन ऑन प्रीपोजिशन हुआ, वैकेशन छुट्टी हुआ, ड्यू टू कारण बता रहा है क्यों, तो एडवर्स वेदर कंडीशन के द्वारा। तो दे पोस्टपोन गोइंग ऑन, पोस्टपोन के साथ क्या लगता है? पोस्टपोन के साथ भी फोर लगता है, तो क्या होगा? गोइंग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वन हु होल्ड एस्टैब्लिश ओपिनियन, जो पूर्ण रूप से चला आ रहा रीति रिवाज को मानता है, ऑर्थोडॉक्स, तो इसको क्या हो जाएगा? ऑर्थोडॉक्स, परंपरागत नियम कानून को मानता है उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, जो परंपराओं को पालन करता है, जो समाज के पुराने रीति रिवाज को मानता है उसको बोलते हैं। मिशनरी होता है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला, मिशनरी। ईसाई क्रिश्चियन में देखते होंगे मिशनरी रहता होगा, तो क्या करता है? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है। एथेस्ट, एथेस्ट मतलब होता है नास्तिक, जो क्या होता है? ईश्वर में जिसका विश्वास नहीं होता। नास्तिक मतलब वन हु डज नॉट बिलीव इन, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, क्या करते हैं? जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। मोनोथेस्ट मतलब क्या होता है? एक ईश्वर को मानने वाला, मोनोथेस्ट। देखिए थेस्ट होता है जो ईश्वर को मानता है, अथेस्ट हो गया जो नास्तिक है। मोनो मतलब सिंगल, तो सिंगल भगवान को मानता है। अगला इंसेंट, INCENT, इसका मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू, बिना किसी रुकावट के। इन से सेंट कंटिन्यू, तो परसिस्टेंस मतलब क्या होता है? लगातार बिना किसी रुकावट के। ट्रांजिट मतलब क्या होता है? क्षणिक होता है। इनकॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब होता है स्थिर, इनकॉन्स्टेंट मतलब कॉन्स्टेंट नहीं, इंटरमिटेंट, रुक रुक के। फैटिग्यू, फैटिग्यू मतलब क्या होता है? थकावट, टायर्ड, वेरी, थका हुआ, तो बेरीनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेरीनेस मतलब थकाना। ब्राइटनेस ग्लिटरिंग को कह सकते हैं। फ्रेशनेस मतलब क्या होता है? ऊर्जा, लाइवली, एनर्जेटिक। पचवा में देखिए, यहाँ पर जो दिया अगला पचवा में, ही वुडंट लेट, ही क्या है? मोड़ लगा दिया, वुड नॉट लेट एनी वन टू ड्राइव, टू ड्राइव हिज न्यू कार। कार है तो नया है, हिज आया एडजेक्टिव, टू ड्राइव, तो ही वुडंट लेट। लेट के साथ क्या आता है? लेट वीड नोटिस बाच, ये सारे के साथ लेट के साथ वीड नोटिस, ये सारे के साथ क्या बाच के साथ क्या लगता है? बेयर इन्फिनिटी। बेयर इन्फिनिटी मतलब विदाउट टू, बिना टू के लगेगा। तो यहाँ पर लेट के साथ, लेट और गलत कहाँ पर है? तो यहाँ क्या चीज़ ड्राइव होगा, ये बात सोचिए। पचमा में क्या होगा? बी होगा, टू ड्राइव नहीं होगा, लेट के साथ सीधे ड्राइव लगाएंगे। ठीक है, आगे छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एमंग द रीज़न साइटेड बाई द एम्प्लॉय, छठा में देख रहे हैं, एमंग द रीजन्स साइटेड बाई द एम्प्लॉयज फॉर क्यूटिंग द जॉब बेयर, इसमें एरर ढूंढना है। एमंग द रीजन साइटेड तो देखिए, among the reasons cited why the employee for quitting the job bear the pressure of work, dot station duty
ऑटेस्टेशन ड्यू टू, तो द डिजायरिंग एंड द डिजायरिंग होगा, क्या होगा? क्योंकि डिजायरिंग के स्थान पर क्या होगा, द डिजायर होगा। क्यों होगा द डिजायर, द डिजायरिंग के स्थान पर एंड द डिजायर होगा। द प्रेशर, देखिए यहाँ पर कहाँ दिया, प्रेशर, द प्रेशर, द प्रेशर, द डिजायर, द ड्यूटीज, द प्रेशर हो गया, द जॉब्स हो गया एंड द ड्यूटीज हो गया, तो द डिजायर होगा। क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल का हम प्रयोग करते रहेंगे तो द डिजायर हो जाएगा। अगला 7 नंबर में देखिए, इंसिड्यूस मतलब छुपा हुआ और धोखेबाजी भरा। इंसिड्यूस मतलब छुपा हुआ, छुपा हुआ और धोखेबाजी भरा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सिंसियर, एंटोनियम पूछना, तो सिंसियर मतलब क्या होता है, ईमानदार। एस्टिट्यूट मतलब होता है धूर्त चालाक। ट्रेचरियस मतलब धोखा देना। स्टील्थी मतलब ही चोरी। द मेजोरिटी खालिस्तान डैट द कंट्री कैन प्रोग्रेस अंडर एवल लीडरशिप। द मेजोरिटी, तो द मेजोरिटी हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसलिए ब्लिप्स हो जाएगा। द मेजोरिटी सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए ब्लिप्स हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ द हाई साउंडिंग बर्ड्स हिज स्पीच फील फ्लैट ऑन द ऑडियंस। तो मतलब ये बोला, इन स्पाइट ऑफ हाई साउंडिंग बर्ड के बाद भी इस स्पीच फेल फ्लैट, क्या हो गया, प्रभावहीन हो गया, यानी आप इम्प्रेस्ड किया, इम्प्रेस मतलब प्रभावित किया नहीं। अपील्ड टू द सेंटिमेंट ऑफ द ऑडियंस, कुड नॉट हियर के लिए, फेल्ड टू मेक एन इम्पैक्ट। तो ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब अपना प्रभाव छोड़ने में क्या हो गया, नाकामयाबी हो गया, सफल नहीं हो पाया। आगे देखिए, सम स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रेशन। बोला है सेंटेंस क्या है, इसका मतलब होता है कि देखिए, यदि नहीं आ रहा है तो सबसे पहले छाटते हैं। एम्बिगुअस मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, जो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता, मतलब एक से जिसका बहुत सारे अर्थ निकलता हो, या कह सकते हैं संदिग्ध हो, दुविधा में हो, डूबियस बोल सकते हैं, इसका साइनोनिम जा सकता है डूबियस, ऑब्स्क्यूर भी जा सकता है। और अम्ब्यूस्ट मतलब क्या होता है, घात लगा कर बैठे रहना, अम्ब्यूस्ट मतलब घात लगा कर बैठे रहना आक्रमण करने के लिए। और देखिए अम्ब्रोइसल, अम्ब्रोइसल मतलब होता है अमृत भला, अम्ब्रोइसल मतलब क्या होता है, अमृत भरा। तो एम्बिडेक्सटेरियस होगा क्या, स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रेशन, मतलब जो अपने दोनों हाथों से काम करता है उसको बोलते हैं। खालिस्तान ऑफ दिस वॉइस इज डूइंग एनी थिंग वर्थ वाइल। तो 11 नंबर में बताना है, खालिस्तान दिस बॉय, ये सारे बॉय, दिस बॉयज इज डूइंग एनी थिंग, एनी थिंग क्या है, निगेटिव है। तो हमारा क्या आना चाहिए, प्रोनाउन भी निगेटिव आना चाहिए, एनी थिंग वर्थ वाइल। तो ईच तो सिंगुलर है, एनी थिंग सिंगुलर, देखिए निगेटिव, एनी थिंग निगेटिव है, तो हमारा जो प्रोनाउन आना चाहिए वो भी निगेटिव आना चाहिए, लेकिन सिंगुलर है तो सिंगुलर में, तो नन ऑफ दिस वॉइस इज डूइंग एनी थिंग वर्थ वाइल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 में नन हो जाएगा, नन हमारा सूटेबल आंसर है। मतलब माई माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल इन मुंबई फॉर गुड। फॉर गुड मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए, फॉर एवर। मतलब डिसीजन विच कैन नॉट बी टेकन बैक, उसको क्या बोलते हैं, ए डिसीजन विच कैन नॉट बी टेकन बैक, उसको बोलते हैं इरिवोकेबल, जिसको डिसीजन जो ले लिया उसको बदला नहीं जा सके। इरेशनल तो हो गया किसका, रैशनल मतलब तार्किक, इरेशनल मतलब क्या होगा, तार्किक बोल सकते हैं, जो क्या अतार्किक हो सकता है। इनडेलिबल, इनडेलिबल मतलब जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, जिसके क्या कर सकता है, जिसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते, जिसको मिटा नहीं सकते हैं।
इनफेलिएबल की बात करें तो इनफेलिएबल मतलब जो कभी सफल ना हो, फेल से बना, फेल मतलब क्या होता है सफल, फेल मतलब सफल होना, इनफेलिएबल जो कभी सफल ना हो। 14 में देखिए बोला कि 14 में इनकर ए डबल सी ई एल ई आर ए टी एन एक्सलरेशन मतलब बढ़ोतरी करना, फिजिक्स में पढ़ेंगे। वी ए वैक्यूम का देखिए वी ए सी डबल यू एम वैक्यूम, वी ए सी भक भक उम उम भक्कू 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 उम कर दीजिएगा, भक्कू की है ना भक्कू भक्कू उम। शेड्यूल सेक एस सी एच ई ए सी एच ई डी यू एल शेड्यूल। तो ट्रैंक्विलिटी देखिए टी आर ए एन क्यू यू आई एल आई टी वाई होता है, इसका मतलब क्या होता है पीस काम सूथ, ये सारे उसका क्या होगा बर्ड हो जाएगा। देखिए बर्ड लिख देते हैं ट्रैंक्विलिटी का पीस काम सूथ मोलिफ पैसिफाई, ठीक है। आगे 15 में देखते हैं अडेप्ट, अडेप्ट मतलब क्या होता है निपुण, अडेप्ट मतलब क्या होता है निपुण प्रोफिशिएंट बोल सकते हैं, डेप्थ किसी चीज़ में निपुण होना, तो इसका क्या बोला एंटोनियो बोलता है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट लोग क्या होते हैं निपुण होते हैं प्रोफिशिएंट, तो इनएप्ट हो जाएगा जो निपुण नहीं है। अगला हिज एम्प्लॉयज वेयर आस्किंग हिम फॉर ए रेस फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ, तो देखिए हिज एम्प्लॉयज हिज एम्प्लॉयज तो ये तो प्लूरल होगा और यह फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर क्या है दिखा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का होना चाहिए, एम्प्लॉयज है तो हैव होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का बाक लगाएंगे और हैव में लगाएंगे, क्यों क्योंकि यहाँ पर हैज़ या हैव लगाएंगे, फॉर था लंबे समय से। अगला है 17 में ऑल दोस हु कैरीड द डे इन रियलिटी सोस फेल्ड टू मेक ए मार्कर लेटर, टू फेल्ड टू मेक ए मार्क लेटर, तो कैरीड द डे मतलब होता है बीन ए विक्ट्री मतलब विजय होना, कैरी द डे विन होना। अगला अक्वेंटेंस ए सी क्यू यू ए आई एन अक्वेंटेंस टांस अक्वांटेंस पढ़िए इसको, तो ये क्या होगा अक्वांटेंस सही है अक्वा ए सी क्यू ए आई एन अक्वांटेंस मतलब होता है परिचित। अगला देखिए अक्यूजन ए सी क्यू यू आई एस आई ए सी क्यू यू आई एस आई टी आई ओ एन एग्रीग्रेट ए डबल कूल होता है इसका मतलब टोटल ए डबल जी आर ई जी। एक्सप्लेनेशन का देखिए इसका मतलब होता है व्याख्या करना ई एक्स पी एल ए एन ए टी आई ओ एन होता है, तो यहाँ पर गलत हो गया। आगे प्लीज़ साइन दिस डॉक्यूमेंट, प्लीज़ साइन दिस डॉक्यूमेंट खालिस्तान इंक सो डैट दे कैन बी प्रिजर्व, तो प्लीज़ साइन दिस डॉक्यूमेंट इन पेन इन इंक, प्लीज़ साइन दिस डॉक्यूमेंट इन इंक, बोला कि आप इस डॉक्यूमेंट को कैसे साइन किए तो इंक में इन इंक होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इन इंक हो जाएगा। अगला वन हु ट्रैवल्स ऑन फूड उसको बोलते हैं पेडेस्टेरियन, जो पैदल चलता हो उसको क्या बोलते हैं पेडेस्टेरियन। अगला देखिए इसका जो है पैडी पैडी पी ए ई डी आई ए डी आई ए टी आर ए पेडिट्रेशियन मतलब होता है शिशु रोग विशेषज्ञ, कौन होता है जो शिशु रोग विशेषज्ञ होता है उसको बोलते हैं पेडिट्रेशियन। अगला प्रोटागोनिस्ट मतलब होता है मुखपात अग्रणी, वो अग्रणी बोलते हैं मुखपात्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं अग्रणी मुखपात्र प्रोटागोनिस्ट। हिमायती अगला देखिए प्रोपागैंडिस्ट मतलब प्रचार करने वाला, प्रोपागैंडिस्ट मतलब क्या होता है प्रचार करने वाला, प्रोपागैंडिस्ट मतलब क्या होता है प्रचार जो करता है जो उसको बोलते हैं, तो हमारा पर यहाँ पर हो गया। अगला देखते हैं 21 में देखिए 21 में कहाँ गलत है, तो एच यू एम आई एल आई ए टी डी होता है ह्यूमिलिएटेड का क्या होता है इसमें स्पेलिंग खोजना एच यू एम आई एल आई ए टी डी ह्यूमिलिएटेड,
ह्यूमिलिएटेड मतलब क्या होता है, अपमानित करना, अपमानित करना किसी को। आगे देखिए सैंक्शन, सैंक्शन मतलब क्या होता है, सैंक्शन अनुमोदन देना, अप्रूवल देना, अनुमोदन करना, अप्रूवल करना। डिनाई मतलब किसी को डिनाई, ग्रेस सिस्ट मर्सी दया, तो अप्रूवल हो जाएगा। आगे देखिए पैराग्राफ पढ़ना था और उसके बाद आंसर देना था। तो पैराग्राफ में देखिए 23 में पैराग्राफ पढ़िएगा, तो 23 में क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्गल ब्लूम, मतलब कौन सा फैक्टर कारक है जो रिस्पॉन्सिबल है एल्गर ब्लूम के लिए। तो 23 में सही हो जाएगा, वह है कंसंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन लैक्स, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। 24 में देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, तो इसका हो जाएगा क्या चीज़, द बी ब्रीथ एंड ड्रिंक पॉइजन, बी ब्रीथ एंड ड्रिंक पॉइजन। 25 में देखिए सिंस बेन ही वॉस बेन हस वाटर पोल्यूशन अक्वायर्ड डेंजरस डायमेंशन, तो इसके बारे में बताना है क्यों, क्योंकि सिंस सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स स्टार्टेड बींग डिस्पोज ऑफ इन रिवर। 26 में देखिए डिट्रोरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ एयर कैन मेनली बी एट्रीब्यूटेड टू, कैसे होता है डिट्रोरिएशन इन क्वालिटी ऑफ एयर, क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण होता है, रैपिड बहुत तेजी तरीके से फैल रहा है। एज पर द पैसेज विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के बारे में कौन सा ट्रू नहीं, 3/4 ऑफ आवर सिटीजन्स आर ब्रीथिंग पुअर एयर क्वालिटी, यही गलत है और वाकई सही है। तो 27 में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए 28 प्रश्न में देखते हैं, इफ यू विल ब्रिंग ए लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आई विल कंसिडर, तो देखिए इफ के साथ कभी भी, इफ के साथ क्या याद रखिएगा, इफ के बाद वाक्य में विल और शैल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इफ यू ब्रिंग, इफ के साथ यदि प्रेजेंट वाक्य रखेंगे, इफ यू ब्रिंग, इफ के साथ यदि प्रेजेंट वाक्य रखेंगे तो अगले पार्ट में क्या रखेंगे, फ्यूचर रखेंगे, FUTRE, तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो हमारा 28 में क्या हो जाएगा, इफ यू ब्रिंग, ओ ब्रिंग्स नहीं होगा क्योंकि ब्रिंग यू क्या प्लूरल है, तो इसलिए ब्रिंग लाएंगे, क्या लाएंगे, ब्रिंग लाएंगे। तो इफ ये रात याद रखिएगा, इफ के बाद इफ के साथ प्रेजेंट आता है, आगे वाला में फ्यूचर आता है। मतलब जियो पराडाई, जियो पराडाई मतलब होता है डेंजर, खतरा, पेरिल, डेंजर, खतरा। प्रोटेक्शन मतलब होता है किसी को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना। प्रिवेंशन मतलब होता है रोकना, प्रिवेंशन। प्रोमोशन करना मतलब कि पदोन्नति में उसको प्रोमोशन, पेरिल हो जाएगा। अगला देखिए 30 में देखिए द एज्ड मैन प्रिफर्ड टू, प्रिफर्ड के साथ सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, ये सारे जो बड़े हैं इसके साथ क्या लगता है, टू लगता है। प्रिफर्ड टू डाई इन हार्नेस देन लेड ए रस्टेड लाइफ, बोला द एज्ड मैन प्रिफर्ड क्या किया कि हम डाई मरे जाएंगे, इससे बढ़िया कि जो खराब जिंदगी मतलब कि दयनीय जिंदगी जीने से बढ़िया क्या है, मर जाएंगे। तो क्या होता है इसका मतलब, काम करते करते नौकरी दे, मतलब टू लिव इन परपेक्चुअल स्लेवरी, मतलब दास बन के रहना, नहीं टू लीड ए लाइफ इन कम्फर्ट, टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ, नहीं टू कीप वंस बिलोंगिंग सेफ, नहीं टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ, मतलब जब तक रहेंगे तब तक, मतलब कंटिन्यू करते रहेंगे अपना ऑक्यूपेशन पेशा। अगला देखिए 31 में हमारा बताना है, 31 में कौन सा प्रश्न में गलत है। तो इफ सी लेफ्ट, इफ के बाद क्या बोले थे, अभी उधर बताए थे, अभी बताए थे, इफ के बाद यदि सिंपल प्रेजेंट रहता है तो आगे वाले में फ्यूचर रहता है, यदि इफ के बाद कंडीशन वाला में, इफ के बाद वी टू रहता है तो आगे वाला में क्या होगा, वुड प्लस वी वन आएगा, वुड प्लस वी वन। इफ के बाद यदि हैड प्लस वी थ्री रहेगा तो आगे वाला में क्या होगा, वुड हैव प्लस वी थ्री आएगा, वुड हैव प्लस वी थ्री। तो यहाँ पर देखिए इफ के बाद क्या है, वी टू है, इफ के बाद क्या है, इफ सी लेफ्ट, इफ के बाद सी लेफ्ट नाउ, सी वुड रीच, इफ सी लेफ्ट नाउ सी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। तो वुड आगे वाले में क्या है, वुड है, और पहले वाले में क्या है, पास्ट है, तो आगे वाले में वुड हमारा सही है। आगे देखते हैं,
अगला 32 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। इट वुड बी वाइज टू एक्सेप्ट द कंपनी ऑफर लेस्ट लेस्ट यू शुड लेस्ट यू देखिए इट कुड वुड बी वाइज टू एक्सेप्ट द कंपनी ऑफर लेस्ट, तो लेस्ट के बाद सब्जेक्ट 32 में क्या भरेंगे, लेस्ट यू शुड, लेस्ट के बाद भर लगाया, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद क्या लगाया, शुड लगाया, उसके बाद रिग्रेट भर लगाया। यहाँ पर क्या लिखा, लेस्ट यू शाल नॉट रिग्रेट, नहीं गलत हो गया, शुड लगना चाहिए, नो सब्स्टिट्यूशन, लेस्ट यू वुड गलत है, लेस्ट यू शुड नॉट रिग्रेट, नहीं गलत है, यू ई बोला इट वुड बी वाइज टू एक्सेप्ट द कंपनी ऑफर लेस्ट यू शुड, लेस्ट लगेंगे तो निगेटिव, फिर नीट नॉट क्यों लगा, तो इसलिए नो एरर। 33 में देखिए, दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक्स रिफॉर्म, इकोनॉमिक्स यहाँ पर क्या होगा, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ मतलब एमंग, देखिए वन ऑफ के बाद नॉन क्या होता है, प्लूरल आता है, तो रिफॉर्म्स हो जाएगा, क्या होगा, रिफॉर्म्स डैट, नॉन प्लूरल वर्ब सिंगुलर होता है, तो रिफॉर्म डैट हस एवर हो जाएगा, तो 33 का क्या हो जाएगा, 33 का डी आ जाएगा, 33 का डी। 33 का क्या मारेंगे, डी मारेंगे। दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट, ये तो हो गया सुपरलेटिव इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, वन ऑफ लगाया ना, इसका मतलब होता है एमंग, इसलिए प्लूरल नाउन आता है, इसके बाद क्या होता है, रिफॉर्म्स आ जाएगा, तो देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसमें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसमें है, इसमें डेट है सेवर है, यहाँ से डेट है बेहर है, तो अब हमको चुन करना है कि डेट हैस आएगा कि डेट हैव आएगा, तो देखिए रिफॉर्म्स कितने हो रहे हैं, बहुत सारे रिफॉर्म हैं, तो डेट हैव हो जाएगा, क्या होगा, डेट हैव होगा। अब बोलेगा कि दिस इज वन ऑफ के बाद नॉन प्लूरल रहता है, वर्ब सिंगुलर आता है, तो यहाँ वे बोला किस नहीं लगा, दिस इज वन ऑफ द, वन ऑफ द या तो सुपरलेटिव हो गया, वन ऑफ के बाद यहाँ पर फॉर्म्स रिफॉर्म्स कर दिए, उसके लिए वर्ब को लाएंगे। चलिए 34 नंबर प्रश्न की देखते हैं। 34 में देखिए दिया है, सी हैज नो अदर हॉबी बट डैट ऑफ कलेक्टिंग कॉइन, तो सी हैज नो अदर हॉबी बट दैट ऑफ कलेक्टिंग कॉइन, तो सी हैड, ऑप्शन में देखना कि क्या का सुटेबल है जिसको देखना, नो अदर हॉबी दैन डैट ऑफ, तो सी हैड नो अदर हॉबी हॉबी बट, तो सी हैड नॉट अदर हॉबी बट, तो सी हैड नो अदर हॉबी। 34 में क्या चला जाएगा, 34 में हमारा एक चला जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला कि सी हैज नो अदर हॉबी, ये तो पता है कि ये चेंज होगा, ये तो सही नहीं दिया, नो सब्स्टिट्यूशन बोला तो ओबे नहीं करेगा, दैन डैट ऑफ कलेक्टिंग कॉइन, क्योंकि अदर के साथ एक्सेप्ट के मीनिंग में दैन का इस्तेमाल होता है, अदर के साथ क्या करते हैं, एक्सेप्ट के मीनिंग में दैन का इस्तेमाल करते हैं। बोला कि सी हैज नो अदर हॉबी, उसके पास कोई अदर नो अदर हॉबी दैन डैट ऑफ कलेक्टिंग कॉइन। 35 में देखें, इफ़ यू डोंट के साथ भी वन ए लंप सम, इफ़ के साथ कंडीशन है, इफ़ यू डोंट हैव ए लंप सम टू इन्वेस्ट इन ए फिक्स्ड डिपॉजिट यू कैन, 35 में दिखना है, यू कैन क्या है, मॉडल है, तो कैन के साथ क्या लगाएंगे, कैन एज्योर्ड लगाएंगे, इंश्योर लगाएंगे, देखिए ऑप्ट है आगे भी वन है, तो इफ यू डोंट हैव ए लंप,
इफ यू डोंट हैव ए लम सम टू इन्वेस्ट इन ए फिक्स्ड डिपॉजिट यू कैन, कैन मॉडल है, उसके बाद क्या लगाएंगे, ये भी वन है, यू कैन तो मॉडल और वर्ब, तो इसका एडवर्ब कौन क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब, एश्योर क्या है वर्ब है, इंश्योर सुनिश्चित करना, श्योर तो श्योरली हो जाएगा, यू कैन श्योरली ऑप्ट फॉर ए लॉन्ग, क्योंकि कैन के बाद क्या आएगा एडवर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा एडवर्ब, उसके बाद वर्ब आया, ऑप्ट क्या है वर्ब है, ऑप्ट ऑप्टेड, तो फॉर ए लॉन्ग टर्म रिक्वायरिंग डिपॉजिट, रिक्वायरिंग डिपॉजिट 36 में देखना है क्या हो जाएगा, जो तो 36 में क्या होगा रिक्वायरिंग डिपॉजिट बेयर बेनेवर बेन बेर बेयर फॉर खालिस्तान द मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली इन्वेस्टमेंट इज, 37 में बताना है कि क्या होगा इज खालिस्तान लो, लो देखिए लो है और एज लगाओ तो इससे पहले भी तो एज लगेगा, ये याद है ना कि जैसे एडजेक्टिव लगाए हैं तो इसके पहले एस लगाए हैं तो आगे भी तो एस लगाएंगे, तो आप पढ़ते हैं यहाँ पर क्या होगा, जो फॉर ए लॉन्ग टर्म रिक्वायरिंग डिपॉजिट खालिस्तान द मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली इन्वेस्टमेंट, खालिस्तान बेन एवर जब भी नहीं बेन कब बेयर द मिनिमम बेयर जहाँ मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली इन्वेस्टमेंट इज एज लो एज 100 रुपया एट द एंड ऑफ द टेन्यूअर, टेन्यूअर मतलब होता है समय अवधि, टेन्यूअर मतलब क्या होता है किसी चीज़ को एक अवधि होता है, एट द एंड ऑफ द टेन्यूअर यू बैक द अमाउंट इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विथ क्या हो जाएगा बिसाइड नहीं अलॉन्ग के साथ विथ आएगा विथ द इंटरेस्ट मतलब आपको क्या मिलेगा इन्वेस्ट जो आप किए हैं उसके अलावा आपको इंटरेस्ट मिलेगा अर्नड ऑन इट, इट इज़ गुड वे ऑफ सेविंग मनी रेगुलरली। अगला इग्नोमिनी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिसग्रेस करना, किसी को बेइज्जती करना, किसी को क्या करना बेइज्जती करना डिसग्रेस करना, समझ गए, मोर्टलिटी तो होता है एस्टीम रहता है रेस्पेक्ट होता है वर्च्यू वाइस, वर्च्यू मतलब क्या होता है किसी में सद्गुण होता है सद्गुण, मोरालिटी तो होता है किसमें नैतिकता होता है, तो ये बन गया 41 नंबर में देखते हैं द कंपनी हैज अपॉइंटेड ट्वाइस, द कंपनी हैज अपॉइंटेड ट्वाइस खालिस्तान वुमेन एज मेन, तो हमारा क्या प्रश्न नंबर 41 में नंबर ट्वाइस अस मेनी एस के साथ क्या आएगा क्योंकि काउंटेबल है द कंपनी हैज अपॉइंटेड ट्वाइस एस मेनी वुमेन एज मेन, मच अनकाउंटेबल के लिए मोस्ट नहीं होगा एज मेनी। अगला देखिए 42 में बताना है कौन सा वर्ड हमारा क्या है सही है उसको राइट यदि राइट को टिक करना है, तो 42 में देखिए ऑमलेट ओ एम एल ए टी ऑमलेट होता है ओ एम एल एच ई, 43 में देखिए स्पेलिंग सही करना है एस कौन सा गलत है तो ई सी एस एस कैट्स इसको पता नहीं चला, अगर इसका देखते हैं डायग्नोसिस डाई डी आई ए डायग्नोसिस डायग्नोसिस एथलेट एक्यूमुलेट तो एक्सक्लेट का क्या होगा ई एक्स एस ई सी एस ई सी एस टी ए एस वाई होता है ई सी एस टी ए एस वाई हो जाएगा, रेकलेस मतलब क्या होता है लापरवाह तो इसका क्या होगा ब्रैस ब्रैस मतलब क्या होता है लापरवाह, हीडलेस मतलब क्या होता है लापरवाह बेपरवाह, कॉशियस मतलब क्या होता है सावधान केयरफुल केयरफुल बोल सकते हैं वॉचफुल बोल सकते हैं अलर्ट बोल सकते हैं चौकन्ना है इसमें, ब्रैश डेरिंग मतलब क्या होता है साहसी ब्रेव ठीक है। आगे देखिए सिमरन वॉज अंडर ट्रेमेंडियस स्ट्रेस बिकॉज सी हैड टू मेनी आयरन्स ऑन द फायर, क्या बोला उसके पास टू मेनी आयरन मतलब एक साथ बहुत सारे जरूरत कामों में क्या होना संलग्न होना, सी हैड टू मेनी क्लॉथ नहीं सी हैड इन्वॉल्व इन मेनी एक्टिविटीज़ बी हो जाएगा। अगला एंड्योरेंस मतलब होता है सहनशीलता,
सहनशीलता, पेशियंस क्या होता है, पेशियंट, परसिस्टेंस, पेशियंट मतलब धैर्य होता है, पेशियंट मतलब क्या होता है, धैर्य रखना, इंडोलेंस मतलब आलसी, टॉलरेंस बर्दाश्त करना, टॉलरेंस मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना, तो हमें क्या देना है यहाँ पर देखिए, एंड्योरेंस मतलब होता है क्या चीज़, एंड्योरेंस मतलब होता है सहन शक्ति, तो इंडोलेंस मतलब क्या होता है, जिसमें इंडोलेंस है, आलस है, स्लगिश बोल सकते हैं, देखिए इंडोलेंस का लिखिएगा स्लगिश, लेथार्जिक, पड़जी मतलब तो मोटा होगा, आलसी होना, लेथार्जिक, स्लगिश, पेशेंट मतलब धैर्य रखना, धैर्य रखना, तो ये हो जाएगा, टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त करना, परसिस्टेंस मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, सहन शक्ति लगातार, एनिमल लिविंग इन फ्लॉक उसको बोलते हैं, ग्रीगेरियस तो होता है जो सामाजिक मिलनसार होते हैं, लोगों से मिलता है, बोहेमाइन मतलब होता है परंपराओं से अलग चलने वाला, बोहेमाइन किसको बोलते हैं, जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, परंपराओं से अलग चलने वाला, ये हो गया, तो ग्रीगेरियस हो जाएगा जो मिलकर रहता, लिविंग इन फ्लॉक, सोशियबल मतलब सामाजिक, हर्बिवोरस मतलब क्या होता है, शाकाहारी होता है, अलग द डिटेक्टिव कंपनी, द डिटेक्टिव कंपेयर्ड द फोर्ज्ड सिग्नेचर टू द खालिस्तान ओरिजिनल, द डिटेक्टिव कंपेयर द फोर्ज सिग्नेचर टू, नहीं टू के स्थान पर क्या, विथ द ओरिजिनल, मतलब जो डिटेक्टिव था जो जांच कर रहा था, कंपेयर किया द फोर्ज सिग्नेचर विथ द ओरिजिनल, मतलब मोर्टलिटी मतलब जिसका मृत्यु है, जैसे मैन इसे मोटल आदमी होता है, एंटोनियम क्या हो जाएगा, बर्थ, एंटोनियम क्या होगा, बर्थ, फैटलिटी, डेथ, लेथालिटी, अगला देखिए, द मानसून, द मानसून, मानसून क्या है, एक है तो हैव नहीं, है ऐसा इन द पास्ट 5 डेज रिट्रीटेड फ्रॉम, मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, ऑफ कंट्री आए, ऑफ पार्ट्स, मोस्ट फ्रॉम द, तो रिट्रीटेड फ्रॉम होता है, ये याद रखिएगा, रिट्रीटेड के साथ क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, अब कुछ वर्ड मीनिंग को देखते हैं, लिखिएगा पहला जो वर्ड मीनिंग लिखते हो भाई क्या चाहिए, ट्रांजिएंट, TRANSIENT, ट्रांजिएंट मतलब होता है क्षणिक, फॉर शॉर्ट टाइम, एफीमेरल, एफीमेरल मतलब क्या होता है, क्षणिक होता है, जो लंबे समय तक नहीं रखता, टेम्पररी बोल सकते हैं, ठीक है, अला इंटरमिटेंट, इंटरमीडिएट मतलब तो जो रोज स्पोरैडिकली रुक रुक कर जो होने वाला, स्पोरैडिकली जो क्या हो, कंटिन्यू नहीं हो, रुक रुक कर होता है, रुक रुक कर होने वाला, जो लगातार नहीं चलता उसको बोलते हैं, देखिए इनकॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है, अस्थिर, कॉन्स्टेंट, तो इनकॉन्स्टेंट मतलब अस्थिर, लाइवनेस और ब्राइटनेस मतलब तो पता है कि क्या होता है, ऊर्जा, ट्रेचरस मतलब होता है TRESCHERO US, ट्रेचरस मतलब होता धोखेबाजी भरा, किसी को धोखा में देना, धोखेबाजी, अगला देखिए एस्टीट्यूट, ASTUT, एस्टीट्यूट मतलब क्या होता है, धूर्त, चालाक, ठीक है, अगला देखिए स्टिल्थी, STELTH, स्टिल्थी मतलब क्या होता है साथियों, चोरी करना, चोरी गुप्त तरीके से, एक्सकलरेशन मतलब तो पता है कि तेजी, अक्वांटेंस बोलिएगा तो परिचित होता है, ये आप लोगों को तो पता ही है, अगला देखिए आगे लिखते हैं डेनियल, अक्यूजन का मतलब क्या होता है, ACQUISITI, अक्यूजन मतलब होता है प्राप्ति, अक्यूजन मतलब क्या होता है, प्राप्ति करना, अधिग्रहण करना, अक्यूजन मतलब क्या होता है, प्राप्ति करना, डेनियल मतलब क्या होता है, अस्वीकृति, अस्वीकृति, ये वाला नहीं होगा, अस्वीकृति हो जाएगा,
ग्रेस मतलब क्या होता है, शिष्ट, कृपा, आकर्षण, ठीक है। बीफॉल मतलब क्या होता है, गंदा, प्रदूषण, ठीक है। इंड्यूस मतलब क्या होता है, यदि पूछे कोई इंड्यूस मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कारण होना, इंड्यूस मतलब कारण होना। टॉक्सिकेंट मतलब तो पता है जहरीला। इमीजन मतलब क्या होता है, उत्सर्जित करना। कैटर मतलब जरूरत की पूर्ति करना। इंटेंसीफाई मतलब होता है तीव्र बढ़ाना, तीव्र। इंटेंसीफाई मतलब क्या होता है, तीव्र या गहन या सघन। स्पेक्ट्रम मतलब रेंज होता है। पोज मतलब क्या होता है, खतरा आदि। एग्रावेट मतलब बदतर बना देना। नोक्सियस मतलब क्या होता है, हानिकारक। हार्मफुल बोल सकते हैं, बेनफुल बोल सकते हैं, फ्यूम मतलब क्या होता है, धुआं। कैलोरी, CALLOUSLY, कैलोसली मतलब क्या होता है, निर्दयता पूर्वक। अगला क्या है, विंटेज। विंटेज मतलब क्या होता है, पुराना। सीवेज मतलब तो गंदगी, सीवेज जानते हैं। एफ्लुएंट मतलब क्या होता है, दूषित जल, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब दूषित जल, गंदगी। डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज के साथ क्या लगता है, प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, इसको मतलब ठिकाने लगाना। अगला स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब SCR, स्केयर मतलब क्या होता है, पायस। पायस मतलब क्या होता है, पवित्र। मरकी, मरकी मतलब क्या होता है, गंदा, धुंधला, गंदा। स्टिंग, स्टिंग मतलब दुर्गंध देना। STING, स्टिंग मतलब क्या होता है, दुर्गंध देना। फिल्थी मतलब क्या होता है, गंदा। फिल्थी मतलब क्या होता है, गंदा। डम्पिंग मतलब DUM, डंपिंग मतलब क्या होता है, जमा करना। डंपिंग मतलब गैदरिंग, जमा करना। माइरिड, MYRID, माइरिड मतलब क्या होता है, विभेद। और डंपिंग मतलब क्या होता है, जमा करना। राइभेरा मतलब क्या होता है, RIVIER, राइभेरा मतलब तटीय क्षेत्र। स्लिक मतलब क्या होता है, SLIC के, ये सारे वर्ड आया उसमें, तैलीय वस्तु। एस्चुरी मतलब होता है नदी का मुहाना, ये तो पता है। एलगल मतलब सवाल होगा। ब्लूम मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी। एक्सपेंस मतलब क्या होता है, क्षेत्र। चौक, चौक मतलब होता है जाम करना। अगला लंप, लंप सम मतलब होता है एकमस्त होना, एकमुस्त होना। अश्योर मतलब आसपास। इंश्योर मतलब किसी काम को सुनिश्चित करना। एस्टीम मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट, आदर। वर्च्यू मतलब सद्गुण। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है, संग्रह करना, गैदर करना। डेरिंग मतलब क्या होता है, दुस्साहसी। एलिमेंट मतलब रोग। परसिस्टेंस मतलब क्या होता है, दृढ़ता। फोर्ज मतलब नकली। फर्टिलिटी या लेथार्लिटी मतलब घातक। तो आज के लिए इतना ही साथियों, चैनल सब्सक्राइब।